सभी बारात में क्या करना चाहिए, आप तेरा है, सभी बारात में थोड़ा सा जाग लो, आधा घंटा भी काफी है, और रोज के मुकाबले में आधा घंटा तिलावत कर लो, चंद रकात पढ़ लो नफले, और कुछ तिलावत कर लो, कुछ अंदाजा कर लो, कुछ तौबा तिल्ला कर लो, इस्तिगफार कर लो, कुछ अपने मुर्दों को बख्श। कब्रिस्तान जाना पूरी जिंदगी में एक दफे साबित है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन इस जमाने में कब्रिस्तान में खवातीन बेपर्दा जाती है, चिरागा होते हैं, रोशनियां होती हैं, लिहाजा नजर के हराम फेल का अंदेशा है। जब अंदेशे फेल हराम हो तो मुस्तहब तर्क करना वाजिब है, मत जाओ कब्रिस्तान, अपने घरों से पढ़ के बस, और कुछ थोड़ा सा ऐसी इबादत कर लो जो तौफीक हो जाए, रात भर जागना भी जरूरी है, और ये भी मुस्तहब है, कोई वाजिब नहीं। और दूसरे दिन रोजा रखना, 15 की रात को थोड़ा सा ये इबादत करना, उम्मत के लिए दुआ मांगना, अपने मुर्दों के लिए दुआ मांगना, मगफरत के लिए सवाब पहुंचाना, और दूसरे दिन रोजा रखना मुस्तहब है। जबरदस्ती अपने को ज्यादा तकलीफ ना दो, शुगर के मरीज हैं या हार्ट के मरीज हैं तो तकलीफ ज्यादा ना उठाओ, आसानी हो सके तो रख लो, वरना कोई जरूरी नहीं। ये तो उसके अहकाम हो गए।